महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच मंगलवार देर रात सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की। मुख्यमंत्री के आवास पर हुई बैठक के बाद सीएम शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र में जल्द कैबिनेट विस्तार होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट और अजीत पवार गुट के शिंदे सरकार के साथ आने के बाद से ही कैबिनेट विस्तार के लिए दबाव भी तेज हो गया है। पवार के साथ आए 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे गुट के विधायक भी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व चाहते हैं। इस संबंध में शिंदे, पवार और फडणवीस के बीच लगातार 3 दिनों में 3 बैठकें हो चुकी हैं। अब खुद सीएम शिंदे कह रहे हैं कि विस्तार जल्द होगा। मंगलवार की बैठक के बाद सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर उद्धव ठाकरे के बयान पर कहा कि उन्होंने बोलने के सारे अधिकार खो दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से समझौता किया है। देवेंद्र जी के ऊपर आरोप करना ये बहुत ही निंदाजनक है। जिन्होंने ये कलंक शब्द इस्तेमाल किया है 2019 में लोगों के साथ विश्वासघात, बाला साहेब ठाकरे जी की भूमिका, उनके विचार को तिलांजलि देना, उनके विचार को त्याग देना, उसी की लालच में सब कुछ भूल जाना, यही तो कलंक उन्होंने लगाया है। ये राज्य ने, राज्य की जनता ने देखा है। हमारे राजकारण पूरा कलंकित से हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।